हमें ज्वाइन किया है अब एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी ने, जिनको ग्रो करते हुए और ग्रूम होते हुए मुझे देखने का मौका मिला ओवर द इयर्स। शी इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट और जो भी काम करती है इतनी खूबसूरती से करती है कि दिल खुश हो जाता है। उष्णा सुहेल हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, हिस्ट्री में द फर्स्ट एंड द ओनली पाकिस्तानी वुमन टेनिस प्लेयर जिन्होंने WTA वर्ल्ड रैंकिंग अचीव की सिंगल्स और डबल्स दोनों में 2012 और 2014 में। उसके अलावा 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत चुकी हैं सिंगल्स एंड मिक्स डबल्स में, साउथ एशियन गेम्स में, नेशनल लेवल पे वापडा की जानिब से 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल। उसके अलावा विनर हैं 40 नेशनल लेडीज सिंगल टाइटल्स एंड 12 लेडीज डबल टाइटल्स के। उसके अलावा रिसेंटली इनको बिली जीन किंग कप कमिटमेंट की तरफ से अवार्ड से भी नवाजा गया। वेलकम टू द शो मेरी जान। वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। शादी हो गई, UK शिफ्ट हो गई, लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करती हो जहाँ पे भी जाके रहती हो। सो एंड अभी हमें ब्रेक में बात करने का मौका मिला, माशाल्लाह अपने हस्बैंड की भी बहुत तारीफ़ कर रही थी और बता रही थी कि वो उनकी कितनी सपोर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यही चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि जब घर से बच्ची को सपोर्ट मिलती है और जब वो अपने घर की, मतलब जो फिर नेक्स्ट स्टेज होता है, अपने घर की तरफ जाती है, शादी होती है, तो जब मियाँ और ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं तो उससे फिर उसकी कामयाबी में 4 चांद लग जाते हैं। राइट के रॉन्ग? वेरी ट्रू। सो उष्णा के हस्बैंड को भी मैं कहना चाहूँगी थैंक यू, हमारी बच्ची का आप ख्याल रख रहे हैं और उनको गाइड भी कर रहे हैं। एंड सो हैप्पी टू हेयर इन द ब्रेक जो सारी बातें हमारी हुई। और बड़े लोग आके मियाँ की बुराइयाँ करते हैं, इन्होंने तो आके सिर्फ तारीफें की और उनको बहुत क्रेडिट दिया, बड़ी प्यारी बात है। और पता है स्टार्स अक्सर देते भी नहीं है क्रेडिट, जो दे रही हैं तो बहुत बड़ी बात है, डबल बड़ी बात है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारे मुल्क के और हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के बड़े ही एक प्यारे साथी का, हमारे छोटे से साथी हैं हमारे। मुझे तो खैर बहुत खुशी है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे साथ बैठे हुए हैं और मुझे इंटरव्यू करने का, बात करने का मौका मिल रहा है। हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं मॉर्निंग एट होम की भी, और जब भी हमने कोई स्पेशल शोज़ किए हैं उसमें भी ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग आपका साथ देते हैं उनका नाम लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अली हैदर हमारे साथ हैं। अब बाय प्रोफेशन तो वकील हैं बट स्टार डिबेटर भी हैं, 2 दफ़ा CM डिबेट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, रोल ऑफ ऑनर एंड सर्विस एक्सीलेंट अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है, कौमी सतह पे 30 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सके हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों हमें ये रिप्रेजेंट कर सके हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सी सोशल इकदाम ऐसे कर रहे हैं जिस पे फिर इनको सोशल वर्क पे अवार्ड्स भी दिए गए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो लेडीज़ फर्स्ट से शुरू करते हैं। आपको पता है ली, मैं कोशिश करती हूँ कि लड़कियों को पहले हम मौका दें, ये खास है प्रोग्राम का हमारा माशाल्लाह। और आपने हमेशा इस बात पे मेरी दाद भी दी है, मैं हमेशा जब भी हमने कभी डिबेटिंग या कोई भी ऐसे कंपटीशन करने होते हैं ना उष्णा, तो हमेशा मैं जब भी अली को कहा, अली हमेशा प्लीज़ कोशिश करना कि लड़कियां और लड़के बैलेंस में हमारे पास आएँ, और अगर कोई ट्रांसजेंडर या कोई भी है तो ज़रूर उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। तो अली हमेशा कहता है मैडम आपके कहने से पहले आप ही, मेरे जहन में यही बात थी कि बराबरी पे इक्वालिटी पे लेके आए। उष्णा, अपनी जर्नी के बारे में ज़रा हमें गाइड करोगी अभी तक? जी, I've been to your show many times before, और it's very good to see you after a long time. आप तो शादी के बाद मज़ीद और हसीन हो गई हैं माशाल्लाह, वैसे कैपेसिटी नहीं थी लेकिन हो गई। नहीं, very good to see you after a long time, और आपको भी माशाल्लाह ऐसे looking wonderful, और मैं यही कहूँगी कि जर्नी का जैसे आपने शुरू से मतलब देखा है कि आई स्टार्ट टेनिस जब मैं 11 साल की थी और वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई कमिंग फ्रॉम अ टेनिस फैमिली। मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ कोर्स बिफोर मैरिज बहुत सपोर्ट किया, और आई थिंक जैसे आपने अभी मेंशन किया है कि किसी भी लड़की का एक स्पोर्ट्स में रहना या आना, एक फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान जहाँ पे स्पोर्ट्स को उस तरह से एक तवज्जो नहीं दी जाती, और स्पेशली बच्चियों का जहाँ तक ताल्लुक होता है वहाँ पे तो एक निगलेक्टेड एरिया ही रहा था, अब अल्लाह का शुक्र है कि हालात पहले से गेटिंग अ लॉट बेटर। जी बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि अभी भी ऑफकोर्स एक गुंजाइश बहुत ज़्यादा है इम्प्रूवमेंट की। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, इट्स बिन द सेम, इट्स बिन वेरी अप एंड डाउन, हर फील्ड में आपके स्ट्रगल्स होते हैं जिसकी बेसिस पर यू रीच अ पॉइंट वेयर यू गेट अ रिकॉग्निशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इवन द लेटेस्ट अवार्ड दैट आई गॉट बाय द बिली इन द बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट, ये बहुत बड़ा अवार्ड है। जी, रिकॉग्निशन थी बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन,
फॉर माई एफर्ट्स जो इतने साल मैंने 16 ईयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है तो और मेरी सबसे ज़्यादा विन्स हैं सिंगल्स और डबल्स में, तो उस बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने कमिटमेंट अवार्ड की एक रिकग्निशन दी है और उसके साथ साथ आप कुछ आप बहुत अमेजिंग सा यंग लोगों के लिए करना भी चाह रही हैं, मैं उसकी तरफ अब आगे बढ़ूँगी, लेकिन व्हाट अबाउट यू अली, योर जर्नी? लेकिन ये गालिबन मेरे ख्याल से 3 या 4 क्लास की बात है कि मैंने अपने डिबेटिंग करियर का आगाज़ किया और मेरे वाले साहब शोबे तालीम से वाबस्तगी थी तो अपने कुलीग के पास गए तो उन्हें कहते हैं कि मेरा बेटा तकरीर करना चाहता है तो सर ज़रा इस पर थोड़ी सी नज़रसानी तो करिएगा। तो बड़े तंज मजा से कहते हैं सर एक बात कहूँ, आगे से वाले साहब कहते हैं जी सर ज़रूर फरमाइए, कहते हैं कभी गुजरों के बच्चे भी तकरीरें करते होते हैं, तो मुझे वो चीज़ बड़ी वो लगी एकदम से कि सर इसका क्या मतलब था। नहीं बहुत बुरी बात है, ये कहने वाली बात ही नहीं है। मैंने अपने नहीं गलत बात है, हम ये क्यों इस तरह की बातें कहते हैं पंजाबी ये गुजर ये मतलब सिंधी मतलब ये बातें कहने वाली नहीं है और ये लोगों को डिसहार्ट करती हैं। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर बड़ी स्ट्रगल की है और मेहनत के साथ मैंने अपनी इस जर्नी को लेकर चला हूँ और वो शुरू से एक शौक और ज़ौक वाली बात थी कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, हम ही को आता है जुड़े इजहार का सिलिका सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे और वो हमेशा जिस तरह आप बोलने का मौका फराहम करते हैं, हम तकरीर की तरह करते हैं ना तो एक स्पीड से हम सुना देते हैं। तो ये हमें खुशी होती है कि जिस तरह अभी भी ऑलरेडी आप बात कर रही थी कि जब भी हमारे कोई स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं तो आपने हमेशा नौजवानों को प्रमोट किया, उनको हमेशा आपने सराहा और उनको हमारा किसी भी नेशन की बिल्डिंग की जब बात करते हैं या उसे कामयाबी की तरफ बात करते हैं तो यूथ अपना किरदार अदा करना है। हमने तो कर दिया जो हमने करना है एंड द पॉइंट इज चलो हम लगे रहेंगे लेकिन यू गाइस आर आवर फ्यूचर, यू आर द फेस ऑफ पाकिस्तान और आप लोगों को ही अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो फिर किसको करें भाई। जब कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाता है, जब बंदा बंदा बच्चा बच्चा नाम जानता है, नोबेल प्राइज पे बात पहुंच जाती है तब तो सारे ही वाह वाह करते हैं। हमने तो तब वाह वाह करनी है जब हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या बात। तो ये है कि मैंने अपने डिबेटिंग करियर के साथ जो है बहुत सारे सोशल कामों में भी पार्टिसिपेट किया और मुझे इस बात का एजाज़ हासिल है कि मैं एक ऐसे फन से वाबस्तगी रही है जो कि एक पैगंबरी शोबा है और मैं समझता हूँ कि ये एक अदब की टेरिटरी, अदब पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट होता है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, तो एक अदब की टेरिटरी में रहते हुए मैंने कोशिश की कि इस फन के साथ इस पैगंबरी शोबे के साथ अपना हक अदा कर सकूँ और अपने अल्फाज से और अपनी हरकतों सकना से इस माशरे की फ्लावर बका के लिए कुछ अल्फाज अपने कंपटीशन के तौर पे जब हम पार्टिसिपेट करते थे तो कंटेंट ऐसा लेके जाता था किसी के सामने कि वो किसी के दिल में बात उतर सके और मैं किसी को समझा सकूं। तो मालिक का करम है कि बहुत सारी अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा, बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, विन किया। अच्छा खुद भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और व्यूअर्स और यंग लोगों को भी आगे लेके आया, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही कॉमन चीज़ है हमारे इन दोनों ब्रिलियंट हाई अचीवर्स में। अब ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे यूथ के लिए और उनको एक्टिवेट करने के लिए, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ हैं लेकिन एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी ने किचन में भी चीज़ें तैयार कर दी हैं तो उन पर भी नज़र डालते हैं। जी हाँ यस दाल मखनी रेडी है, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दिया और इसको हमने अचारी लच्छेदार क्रीम भी डाली है ऊपर से। यस अच्छा और अचारी लच्छेदार सैलड के साथ सर्व किया है विद तड़के वाले राइस। थैंक यू सो मच बेटा, लुक्स ग्रेट। ओके उष्णा गेम प्लान क्या है, क्या करना चाहती हो? देखें पाकिस्तान के लिए जी मैं इतने साल टेनिस में रहकर ऑफ कोर्स अभी मेरा गोल है लाइक आई सेड मैं एशियन गेम्स के लिए जाऊंगी इन सितंबर इंशाल्लाह टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन चाइना और दिस विल बी माय फोर्थ एशियन गेम्स इंशाल्लाह जिसमें लगातार रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को और जीत के आओगी इंशाल्लाह। आई विल डू माय बेस्ट। अरे आप ही ने बात कह दिया, याद रखना। अच्छा कंपटीशन बहुत टफ है लेकिन नहीं रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई फील के ऑफ कोर्स एक पॉइंट आता है जब आप एक फील्ड को इतना टाइम देते हो और आपका एक एफिलिएशन होता है एक गेम से, तो मेरा गोल डेफिनेटली है कि अपने जितनी देर मैं पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ जितने इवेंट्स में एज लॉन्ग एज आई कीप माई सेल्फ फिट और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ टू गिव बैक और मैं इस गेम को अपने मुल्क में प्रमोट कैसे कर सकती हूँ, तो इसी की बात मतलब काफ़ी डिस्कशंस होती रहती हैं घर पे भी विद फैमिली हस्बैंड उनसे मतलब बात होती है आइडियाज़ की। तो आई थिंक के जो ओवर द ईयर्स हमें एज प्लेयर्स
फेस करना पड़ा है, दैट हैज बीन लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप्स। और बात पता है क्या है, जैसे कि मैं आपको भी कह रही थी कि उष्णा अगर कुछ बनाओगी, अगर अकेडमी बनाओगी या कोई ऐसी चीज़ बनाओगी जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, तो मैं तो आपको प्रॉमिस करती हूँ ऑन एयर कि मैं अपनी बेटी नूर को ज़रूर आपके पास भेजूंगी और एन इफ़ इट सून इनाफ तो हसन को भी, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे जो हैं वो टेनिस एक बहुत ब्रिलियंट स्पोर्ट है। आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपकी फिटनेस, हर चीज़ को बड़े परफेक्ट अंदाज में, तो वो जो होता है ना, आप बस हम बच्चों को फुटबॉल में या क्रिकेट में डाल देते हैं, थोड़ा सा अगर इस चीज़ से हम बाहर निकले, ऑब्वियसली हॉकी इज़ आर नेशनल स्पोर्ट, ज़रूर आप बच्चों को खिलाएं, स्क्वाश भी खिलाएं, सारी चीज़ें खिलाएं, लेकिन स्क्वाश हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये बड़े अमेजिंग स्पोर्ट्स हैं डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा ही है, नहीं उसमें देखें आपने जैसे क्रिकेट की भी बात की, तो मैं इसको बिकॉज टाइम की ज़्यादा कितनी कमी है, तो टू द पॉइंट भी अगर मैं बात करूँ उसमें, मैं कहूँगी आप क्रिकेट में देखें, यू हैव हैड कोचेज़ लाइक एंडी फ्लावर जिन्होंने टीम को उठाया, उनको ऐसी फिटनेस ट्रेनिंग दी कि वो एक लेवल पर पहुँचे, उनकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पर वर्क किया, उन्होंने रिजल्ट दिए। तो कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में अगर आप प्राइवेट सेक्टर स्पॉन्सरशिप्स को यूज़ करें एंड यू हायर अ कोच जो जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर खासा एक्सपोजर है, वी हैव अ कोच निक ब्राउन इन यूके जिनका मेरे से बातचीत है, एफिलिएशन है, आई शेयर्ड माय विजन विद हिम, हस्बैंड से भी, मतलब मेरे पेरेंट्स की भी बात हुई, तो अगर उस तरह की पर्सनैलिटी, मतलब ही इज़ बीटन गॉरन इवनिविच वॉज अ फॉर्मर विंबलडन चैम्पियन और वो फॉर्मर ब्रिटिश नंबर वन है, तो उनसे पाकिस्तान में टेनिस डेवलपमेंट की जब बात हुई, तो ऐसे कोचेज अगर यहाँ पर आकर उनमें इन्वेस्ट किया जाए, प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया जाए और वो हेल्प करें प्लेयर्स को, तो आप जब जितने आप अपने स्पैम को बढ़ाते हो तो किसी ना किसी पॉइंट पे मेहनत करके कोई ना कोई प्लेयर तो आगे निकलता है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ों पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्रीज लाइक ट्यूनिशिया एज वेल, वहाँ से आप देखें ऑन्स जेबोर जो उनकी प्लेयर है वो भी विंबलडन फाइनल खेली है, वो ट्यूनिशिया का भी सिस्टम पाकिस्तान की तरह इट्स नॉट दैट डेवलप्ड, लेकिन आप उधर देखें साल में 30-40 टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल होते हैं, उनका सिस्टम है टेनिस का प्रॉपर, वो इन्वेस्ट करते हैं इसमें, और जाहिर है फिर मार्केटिंग की तरफ जब आते हैं आपके प्लेयर्स कुछ अचीव करें, उसको मार्केट करें ताकि उस प्लेयर के साथ साथ मजीद और प्लेयर्स को भी मोटिवेशन हो। टू बेस्ट ऑफ लक कृष्णा, एंड द पॉइंट इज आई नो दैट इफ यू स्पीयर हेड दिस तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड ब्रिज फॉर पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड योरसेल्फ आल्सो। बेस्ट ऑफ लक।